तीरथ सिंह रावत जी को अगर ऊल जलूल की बातों से फुर्सत मिल गई हो तो वो कृपा करके उन पुलिस कर्मियों पर कुछ कार्रवाई करके दिखाएं जिन्होंने देहरादून के मंदिरों से गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने वाला बैनर हटाया है। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं हो सकता कि बिना ऊपर के इशारे के कुछ वर्दीधारियों ने यह काम कर दिया होगा। सबको पता है कि सांप्रदायिक माहौल मुसलमानों के मंदिर में प्रवेश से रोकने से नहीं बल्कि मंदिर में घुसकर देवी देवताओं की मूर्तियों को अपमानित करने से खराब होगा। तीरथ सिंह रावत जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं हर उस मुद्दे पर बोल चुके हैं जिनका न तो उनके कामकाज से कोई वास्ता है न पार्टी की विचारधारा से। वो यह भी भूल गए हैं कि उत्तराखंड की जनता ने ये सत्ता उनके नाम पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे और भाजपा की विचारधारा पर दी है। रावत जी इकलौते ऐसे नहीं हैं, उन जैसे नेताओं की भाजपा में कोई कमी नहीं है। जनता हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा को वोट देती है लेकिन सत्ता मिलते ही ये अपना निजी एजेंडा चलाने लगते हैं। ऐसा लगता है उन्हें पता ही नहीं कि पार्टी और नेतृत्व की दिशा क्या है। बीजेपी को ये याद रखना होगा कि जनता का समर्थन राष्ट्र और सनातन धर्म के लिए है, किसी पार्टी के झंडे के लिए नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों या किसी और राज्य के मुख्यमंत्री, अधिकांश विचारधारा पर बोझ ही प्रतीत होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र अपवाद हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनके सुपुत्र कार्तिकेय ही सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं। कार्तिकेय भाजपा के चुनावी मंचों से इस्लाम का प्रचार करने के लिए कुख्यात रहे हैं। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस बहुत जुझारू नेता हैं, जनता उनको पसंद करती है लेकिन उनकी अर्धांगिनी क्रिसमस पर सेंटा बनकर हिंदुओं के जले पर नमक छिड़कती रही है। उन्हें पता ही नहीं कि ईसाई मिशनरियों ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उनके पति को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। भाजपा के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को ये समझना पड़ेगा कि हिंदुओं का मान मर्दन करके वो खुद को कांग्रेस की श्रेणी में ही खड़ा कर रहे हैं। उनके साथ भी वही हो सकता है जो कांग्रेस के साथ हो चुका है। ऐसी हरकतों से ये हो सकता है कि इन नेताओं का कुछ निजी भला हो जाए लेकिन अंत में हिंदुत्व का ही नुकसान होगा। हिंदू समाज आज जाग चुका है, अब इंतजार उन लोगों की नींद टूटने का है जो स्वयं को हिंदुओं का हितैषी बताते हैं।